तो भाई जिला है मधुबनी और झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र है जहां हम पहुंच चुके हैं और यहां काफ़ी सारे जनता यहां पर मौजूद है। हम इनसे ही पूछेंगे कि यहां के प्रतिनिधित्वकर्ता कैसे हैं, यहां पर कामकाज कैसा है और जो प्रतिनिधि अभी जो है विधानसभा के नेतृत्व के लिए जो है अपना अपना अपने अपने हाथ खड़े कर रहे हैं उनमें से कौन प्रतिनिधि जो है यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी है। क्या नाम है आपका? मुरारी चौधरी। अच्छा, ये बताइए कि आपके विधानसभा क्षेत्र जो झंझारपुर है यहाँ सबसे बड़ी मूल समस्याएं क्या हैं? यहाँ पे है अभी सड़क का भी मरम्मत और दूसरा हम लोग का बहुत भी परेशानी है। जो भी यहाँ से जीत के जा रहे हैं वो भी वादा जो है पूरा नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले जो प्रतिनिधि थे वो क्या क्या वादा कर दिए हैं कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है? सड़क बनाएंगे, रोड बनाएंगे, बिजली देंगे, योजना देंगे, विकास करेंगे, कुछ नहीं किया। जो आदमी जीत के गया 5 साल तक अभी तो कुछ नहीं किया। बिजली आई है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है शिक्षा का कमी। बिजली आई है कि नहीं? बिजली तो आया। सड़क भी सबका डैमेज है। अब बोलिए, अब जो है जो शिक्षा का कमी है यहाँ पर, जितना लोग मास्टर हुआ विषय अनपढ़ हुआ, ये नीतीश कुमार सबसे पहले सर्टिफिकेट लाइए, आपको हम नौकरी देंगे। यहाँ पढ़ाई स्कूल में कोई विद्यार्थी का नहीं हो रहा है, अब सब पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है विद्यार्थी, नाम है सरकारी में अब पढ़ रहा है उसमें। इसलिए हम लोग इस सब के लिए मर रहे हैं। हमारा नेता बदलेगा, शिक्षा बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, मतलब कि रोड सड़क नौकरी शोकरी रोजगार सबका मिलेगा। आप बोले कि अभी जो है मतलब नेता बदलेगा तो जो है विकास होगा, तो झंझारपुर से कौन सा नेता को आप बोल रहे हैं बदलेगा, तो किसको लाएंगे, क्या मतलब लग रहा है? हमारे यहाँ से नीतीश कुमार नेता सही नहीं है। अच्छा। नीतीश मिश्रा। अच्छा। रामनारायण यादव सही नहीं है। अच्छा। हमारे सामने में अभी सदानंद सोमन आया जब से, वो अभी गरीब को बेटा, गरीब को देखने सब कुछ सामने में पप्पू यादव को छाप लेकर आएंगे। चलिए, जब शिक्षा की बात आती है तो ये युवाओं से पूछते हैं, क्योंकि शिक्षा लेकर बाद में रोजगार के लिए ही शिक्षा लिया जाता है और एक मनुष्य को जो है अच्छी जिंदगी जीने के लिए शिक्षा दिया जाता है, तो युवाओं से पूछते हैं इस गाँव में रोजगार के क्या हालात है? सबसे पहले रोजगार की तो यहाँ पे 0/0 आप मान लीजिए। रोजगार के लिए जो होना चाहिए यहाँ पे मधेपुर, यहाँ से बगल जहाँ से आपको हम यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो यहाँ एक दूध की मिल हुआ करता था, वो भी बंद पड़ा हुआ है। मिथिलांचल में जैसे कि चीनी मिल हुआ करता था, जूट मिल हुआ करता था, ये सब बंद है, तो यहाँ पे तो बेरोजगार, तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, तो युवाएं मतलब यहाँ पे जो युवा हैं वो करते क्या हैं? वहाँ पे जो पूरा बेरोजगार बैठे हुए हैं। बेरोजगार बैठे हैं तो घर के ही दाना पानी से जो है उनका खर्च अभी चलता है। पूरे बिहार में हेल्थ डिपार्टमेंट और जो है टीचर मानी शिक्षा की व्यवस्था पूरे बिहार में डैमेज है। स्कूल में कुछ व्यवस्था ही नहीं है। किसको चाह रहे, कौन आ जाएगा बिहार में तो जो है ये सब चीज़? पप्पू यादव आ जाएगा, पूरा पार हो जाएगा। एक चीज देखिए, धरातल पर हम लोग पप्पू यादव, आप जो है धरातल पर देखें तो नीतीश कुमार जब सरकार बनाए तो बहुत अच्छी काम की, लेकिन जो युवाओं के लिए और स्वास्थ्य को जो है यहाँ पर जो बूढ़ी चाहे गर्भवती महिलाएं जिसको हॉस्पिटल नजदीक में होना चाहिए उस चीज़ की व्यवस्था नहीं। जो भी छोटी मोटी हॉस्पिटल पंचायत लेवल पर थी वो भी बंद पड़ी हुई है, तो कैसे स्वास्थ्य सुधरेगा? तो इस बार का जो चुनाव है, इस बार लहर है जो, वो झंझारपुर में किस ओर है, क्या लगता है? क्या बोले, इस बार जो चुनाव का लहर है झंझारपुर में मतलब किस ओर है, मतलब कौन जीत कर आ रहा है? पप्पू यादव जिंदाबाद। पप्पू यादव जीत के आ रहे हैं। पप्पू यादव की तरफ है हम लोग। अच्छा, तो पप्पू यादव के काम से बहुत प्रभावित हैं क्या? ऐसा है, पप्पू यादव के काम से हम लोग बहुत प्रभावित है। पप्पू यादव ने जो काम किए हैं विद्यार्थी के लिए, युवा के लिए लाने के लिए, उनके लोग हम हार्दिक अभिनंदन उनको करते हैं और उनके लिए हम लोग जय जय करते हैं। जिंदाबाद पप्पू यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ऐसा है कि अब चलिए, तो चुनावी मंथन कार्यक्रम में जो है यहाँ पर लहर जो है, जनता से बात करते समय पता चलता है कि प्रतिनिधि कैसे हैं, प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे, ये जनता पहले ही मूड बना चुकी होती है। तो इनसे हमने बात की, चुनावी मंथन में आम पब्लिक की भी राय ली। देखते रहिए नेशन 24, आगे भी मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ। शुक्रिया।